नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद राहुल गांधी ने बयान दिया था कि उन्हें नीतीश की जरूरत नहीं है। वहीं राहुल गांधी के इसी बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि अंगूर खट्टे हैं। कल तक तो राहुल गांधी नीतीश करते थे। विज ने कहा कि उनका सारा ध्यान तो स्टोव में कोयले डालकर चाय बनाने में लगा रहता है। अंगूर खट्टे हैं। कल तक तो नीतीश कर रहे थे राहुल गांधी जी, और अब क्योंकि नीतीश जी एनडीए में वापस आ गए तो अब कह रहे हमें ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी जी कभी भी एक विचार पर नहीं टिकते हैं। उनको ये नहीं याद रहता कल मैंने क्या कहा था। ज़्यादा ध्यान तो उनका स्टोव में कोले डाल के चाय बनाने में रहता। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर भी विज ने पलटवार किया है। विज ने कहा कि जब से हुड्डा साहब को ईडी ने बुलाना शुरू किया है तब से उनमें बहुत ज्यादा घबराहट आ गई है और वे बेतुके और बिना तथ्यों के बयान दे रहे हैं। विज ने कहा कि आज प्रदेश में हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर कहीं कोई छोटी मोटी घटना होती भी है तो मेरी पुलिस उनको पकड़ कर उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। है हुड्डा साहब को जब से ईडी ने बुलाना शुरू किया है तो इनमें बहुत ज़्यादा घबराहट आ गई है। बहुत ज़्यादा बेतुके बयान और बिना तथ्यों के ये बयान जारी करते हैं। आज प्रदेश में हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अगर कहीं छोटी मोटी घटना होती है तो मेरी पुलिस पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं अनिल विज ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि जब वोट डालनी नहीं आती तो क्यों वोट मांगने जाते हैं। ऐसा है, तुम्हारे लोगों को वोट तो डालनी आती नहीं, तुम वोट मांगने के लिए क्यों जाते हो? जब तुम्हें अपनी वोट नहीं डालनी आती, तुम्हारी वोटें इनवैलिड हुई हैं। जब आपको अपनी वोट ही नहीं डालनी आती तो दूसरों की वोट मांगने का आपको क्या अधिकार है? वहीं बीते दिन हरियाणा में 10 लोकसभा क्षेत्र में कार्यालयों की शुरुआत अम्बाला से की गई, जिससे लगता है कि भाजपा पूरे चुनावी मोड में आ गई है। इस पर विज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही विज ने हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर भी जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, यही कारण है कि हमारे 10 के 10 लोकसभाओं के चुनाव कार्यालयों का कल उद्घाटन हो गया। कि जो तैयारी करनी होती है उसके लिए हमारे वर्कर हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी जो सेना है ये कभी बैरकों में नहीं जाती है, ये तो हमेशा फील्ड में रहती है। हाँ, 10 की 10 सीटें। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।